आज हम बात करने वाले हैं एसी के पाइप को झिरी काट के कैसे लगाते हैं। तो ये हमारे पास एक 25 गज का मकान है और इस 25 गज के मकान में पूरा बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार हो गई है और प्लास्टर हो चुका है। प्लास्टर होने के बाद जो मकान का ओनर है उसको याद आया कि हमें एसी की पाइप अभी डाल लेनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया और आज हम यही बात करने वाले हैं कि एसी की पाइप आप झिरी काट के कैसे घर में फिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए पहुँचते हैं पोजिशन पर। हमारी एसी लगने वाली, गाइस जहाँ पर एसी लगने वाली, यहाँ पे मैंने पहली जो इस बिल्डिंग में इस जगह पे काम कर रहा था जो इलेक्ट्रीशियन, हमने उससे बात कर ली और यहाँ पे हमने इसकी झिरी कटवा दी। जहाँ हमारी एसी लगने वाली, गाइस जैसी एसी का जो हमारा सेंटर है, सेंटर से इधर हमारा पाइप रहने वाला है। तो ये हमारा सेंटर है, मैंने उसको इधर ही बोला था पाइप रखने को, लेकिन उसने सेंटर लेके झिरी काट दिया। नया आदमी है, एसी का पाइप का उसको फिलहाल नॉलेज नहीं था, तो झिरी फिलहाल उसने काट के दे दिया हमें बिल्कुल सेंटर में। अब जो एसी हमारी, अगर हम बिल्कुल सेंटर में पाइप ला के छोड़ेंगे तो हमारी एसी आउट हो जाएगी। हम बिल्कुल सेंटर में लाके पाइप को नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा रूम का सेंटर होता है, रूम के सेंटर से लगभग लगभग 6 इंच 7 इंच 8 इंच इधर ही छोड़ने वाले हैं अपने पाइप को। और ये इस तरीके से हमने झिरी करवा दी। जो आपको सीधी पाइप दिख रही है, ये सीधा पाइप हमारा बाहर चला जाएगा, वो एसी के पाइप का गया, कॉपर का पाइप। और जो नीचे दिख रहा है गाइस, ये हमारा पानी का पाइप का आएगा, नीचे हम पानी का पाइप डालेंगे। तो ये मैंने पूरी झिरी लगवा दी है ये बाहर तक, ये देख सकते हो आप, यहाँ से ये झिरी हमारा बिल्कुल बाहर चला गया। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल झिरी कटवा दी। अब हमारे को क्या करना है, अब ये हमारे पास ये पाइप है, इस पाइप का हमने रोल लेके आए हैं, तो इस पाइप को अब हम सीधा करते हैं। सबसे पहले हमें इस पाइप को सीधा करना पड़ेगा, तो चलिए इसको सीधा करते हैं। अब हमने इस पाइप को क्या किया, बिल्कुल सीधा कर दिया। आप देख सकते हो ये पाइप हमारा आगे तक सीधा चला गया है, ये पाइप हमने बिल्कुल सीधा कर दिया। अब इस पाइप पे क्या करना है, हमें और इस पर हमने स्लीव चढ़ानी। तो ये हमने स्लीव चढ़ाने से पहले आगे यहाँ पे मुँह पे एक साथ टेप मार दिया दोनों पाइप को। अब इस पर हम स्लीव चढ़ाएंगे, चलो स्लीव चढ़ाओ। तो इस तरीके से हमें इसकी स्लीव चढ़ानी है। ये 5/8 का स्लीव है, 5/8 के स्लीव पे दोनों पाइप हमारा एक साथ ही अंदर आ जाता है। तो अभी हम इस पर स्लीव चढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम पूरे पाइप पे ही स्लीव चढ़ा देंगे। तो चलिए इसके ऊपर पहले स्लीव का काम खत्म करते हैं, इसके पूरे पाइप पे स्लीव डालते हैं। और अब ये दूसरा स्लीव डाल रहे हैं, पाइप पे स्लीव चढ़ा दिया है अच्छी तरीके से। 21 फुट पाइप था यहाँ, 21 फुट पाइप में हमारा 4 स्लीव लग गया है। अब 4 स्लीव हमने लगा दिया 5/8 का। अब हमें क्या करना है, इसके तार है, ये हमने 4 कोर का वायर ले रखे हैं, क्योंकि कभी इस पे इन्वर्टर एसी कोई सी भी एसी लग सकती है। तो 2.5 mm का हमने यहाँ पे 4 कोर का वायर ले रखा है। और अब हम इसके ऊपर टेप चढ़ाते हैं। तो पूरे पाइप पे हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से टेप चढ़ाना है, ताकि ये जो हमारा स्लीव है ये डालते समय फटे नहीं। तो इस तरीके से पूरे पाइप पे हम स्लीव चढ़ाएंगे। हमने इसके ऊपर पूरी तरीके से टेपिंग कर दिया है, अंदर तक हमने पूरा यहाँ जितना पाइप था पूरे पाइप पे अब टेपिंग कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको दीवार में लगाना है। तो चलिए अब हम इसे दीवार में लगाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको दीवार में किस तरीके से लगाना है। झिरी तो हमारी पहले से कटी चुकी है, बस अब हमें इसे दीवार में डालना है। तो अब हम यहाँ पे पाइप को यहाँ से डाल दें इस छेद के अंदर, चलो डालो। और हमारा पूरा पाइप, मैंने जो एक्स्ट्रा वेस्टेज पाइप है हमने यहाँ से थोड़ा बाहर कर दिया, ताकि हमारा पाइप मुड़े नहीं। तो अब हम इसे डालते हैं। हमने इस पे पाइप डाल दिया पूरे, देख सकते हैं आप झिरी काट के, जो हमारी झिरी फंसी हुई थी झिरी में हमने पाइप लगा दिया। अब ये भाई साहब हमारे क्लिप लगा रहे हैं, ताकि कहीं से हमारा पाइप बाहर ना आए दीवार से। तो इस पे हम अच्छी तरीके से क्लिप कर देते हैं। अब हमारी पाइपिंग पूरी तरीके से मुकम्मल कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एक छेड़ा है, हमने इसको बैंड नहीं किया, क्योंकि अभी दीवार पे प्लास्टर होना है। अगर मैं उसे बैंड कर दूंगा तो ये प्लास्टर वाले उसको हाथ से हिलाते डुलाते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी पाइपिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। ये रहा, अब मैं आपको यहाँ पे इंडोर, जहाँ ये इंडोर फिटिंग होने वाली है वहाँ के बारे में कुछ बता दूँ आपको। ये हमारा इंडोर फिटिंग के लिए पाइप है, और ये मैंने ड्रेन पाइप डाला गया यहाँ पे, यहीं से हमारा पानी का सिस्टम है, जो एसी जो हमारी पानी गिराएगी वो यहीं से डायरेक्ट नीचे जाता हुआ और हमारे बाथरूम में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रेनिंग सिस्टम का रखा। ड्रेन का जो पाइप है, हमें गाइस हमेशा ड्रेन का पाइप एसी के पाइप के नीचे रखना होता है, तो हमने एसी के पाइप के नीचे यहाँ पे ड्रेन का पाइप रखा है। और कुछ कई टाइम ऐसा भी होता है कि एसी के पाइप के साथ ही वो जो रबड़ वाली पाइप होती है वो डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं बन सकती थी, इसलिए हमने यहाँ पे प्लास्टिक का पाइप डाला है। तो इस तरीके से आप भी कभी झिरी मार के अगर एसी का पाइप डालना है तो डाल सकते हो गाइस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन पॉइंट देखने वाली बात बस ये रहती है कि हमें यहाँ पे पाइप कितना छोड़ना है, और जो हमारा सेंटर है, जो पानी का पाइप का सिस्टम है, वो हमें इसके नीचे डालना होता है पाइप के नीचे। और जो हमारा सेंटर है, हमें सेंटर से, एक बार मैं बताता हूँ आपको, मान लिया ये हमारे दीवार का सेंटर है, तो दीवार के सेंटर से हमें थोड़ा
पीछे ही पाइप को बेंड करके रखना है, पाइप वहां तक चले जाए कोई दिक्कत नहीं, सेंटर पार कर दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारे झड़ी का सिस्टम है, जो झड़ी का पॉइंट्स है, वो हमें दीवार के पीछे तक ही रखना है। तो ये देख सकते हैं हमारा सेंटर तो ये आ रहा है, लेकिन हमने झड़ी का सिस्टम जो हमने बैंड मार के रखा है वो यहाँ रखा है। तो इस तरीके से हमारी एसी जो है बिल्कुल सेंटर में लगेगी। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़।